अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको अपनी वीडियोस के अंदर कम एड्स देखने को नहीं मिल रहे। जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करके उसकी मोनेटाइजेशन पेज में जाके उसकी एड्स की सेटिंग करते हैं तो उधर आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने को मिलते थे, जैसे कि डिस्प्ले एड, नॉन स्कीपेबल एड, स्कीपेबल वीडियो एड, उसके अलावा स्पॉन्सर कार्ड एड और आपको ओवरले एड्स के अलावा आपको जो है वो मिड रोल एड्स भी देखने को मिलते थे। लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ तीन एड्स देखने को जो है वो मिल रहे होते हैं, डिस्प्ले एड, स्कीपेबल एड और नॉन स्कीपेबल वीडियो एड। दूसरे ऐड का क्या बना? ठीक है, यूट्यूब ने क्या किया, कोई यूट्यूब की अपडेट है जिसके अंदर यूट्यूब ने जो है ये ऐड खत्म कर दिए, या फिर ये यूट्यूब के ऊपर कोई बग चल रहा है, और अगर ये कोई बग है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। और उसके अलावा अगर आपकी जो जो ऐड है वो नहीं लगा रही आप, और इससे आपकी जो है वो वीडियो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, आपकी जो अर्निंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है नहीं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा डिटेल से बता दूंगा कि क्या ये कोई यूट्यूब का बग है या फिर ये कोई यूट्यूब की नई अपडेट है जिसमें यूट्यूब ने जो है वो ये एड्स खत्म कर दिए हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल नीचे वीडियो के आपको जो है वो सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, और हमारी जो भी वीडियोस होंगी आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेंगी। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पहले आपको जो है वो ज़्यादा एड्स देखने को मिल जाते थे, जैसे कि आपको स्कीपेबल डिस्प्ले एड, नॉन स्कीपेबल एड, उसके अलावा आपको स्पॉन्सर कार्ड एड, ओवरले एड और मिड रोल एड देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब आपको कम एड्स, सिर्फ और सिर्फ तीन एड्स देखने को मिल रहे हैं, डिस्प्ले एड, नॉन स्कीपेबल और स्कीपेबल वीडियो एड। तो बेसिकली इसके पीछे कोई YouTube का बग नहीं है, YouTube की रीसेंट अपडेट है। कुछ दिनों पहले YouTube ने कहा था कि हम जो है YouTube पे जो ओवरले एड्स हैं, जो कि आपको वीडियो जब आपकी चल रही होती है डेस्कटॉप साइट पे, ठीक है, इधर भी नहीं, जैसे कि आप मोबाइल पे आप देख रहे होंगे, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी वीडियो के ओवरले के ऊपर जो है एक ऐड आपको शो हो रहा हो, ठीक है। तो ये ऐड जो है वो अब तो बिल्कुल नहीं शो हो रहा होगा क्योंकि अब YouTube ने जो है वो खत्म कर दिए हैं ये ऐड, कोई भी ये ऐड नहीं लगा सकता। कुछ दिन पहले YouTube ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि अप्रैल से जो है वो ओवरले ऐड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हम ओवरले ऐड YouTube पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन ओवरले ऐड के साथ उन्होंने स्पॉन्सर ऐड क्यों खत्म कर दिया इसके बारे में कोई डिटेल से पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ ओवरले ऐड का ही बताया गया था कि ओवरले ऐड आपको अप्रैल से आगे देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो YouTube की एक अपडेट थी जिसके अंदर YouTube ने जो है वो ओवरले ऐड को खत्म कर दिया, लेकिन जो स्पॉन्सर कार्ड ऐड है, ठीक है, वो भी आपकी जो है वो मतलब मोनेटाइजेशन पेज से, आपके ही नहीं सिर्फ सबके मोनेटाइजेशन पेज से उड़ गया। तो अभी तक YouTube ने इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं कहा कि हमने खुद इसको खत्म किया या फिर कोई बग है, अगर कोई बग या फिर प्रॉब्लम यूट्यूब पे आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ओवरले एड और स्पॉन्सर कार्ड ऐड किसी लिए नहीं शो हो रहा है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मिड रोल एड्स होते हैं, स्टार्टिंग वाले एड्स, और उसके अलावा एंड पॉइंट पे जो आपने एड्स लगाने होते हैं, जो कि आपको वीडियो जब आप मोनेटाइजेशन पेज पे जाते हैं तो आपको एंड पे शो हो रहे होते हैं, ये एड्स आपको इसलिए नहीं शो हो रहे क्योंकि आप 8 मिनट से कम की वीडियो बना रहे हैं। ये एड्स आप तब ही अपनी वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं जब आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो 8 मिनट से ऊपर होनी चाहिए, फिर ही आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी वीडियो के जो है वो सेंटर के अंदर मिड रोल एड्स जो है वो लगाएं। तो मिड रोल एड्स आप 8 मिनट से ऊपर वीडियो बनाएं और आपको एड्स जो देखने को मिल जाएंगे। इन दी एंड ओवरले एड्स और स्पॉन्सर कार्ड ऐड के खत्म हो जाने से आपके यूट्यूब चैनल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आपकी यूट्यूब चैनल की अर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो बेसिकली इधर आपको एक बात समझ लें, ठीक है, ओवरले एड्स वो एड्स होते हैं जब आप यूट्यूब को जो है वो ओपन करके, ठीक है, डेस्कटॉप साइड पे कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर डेस्क ओपन करके आप जो है यूट्यूब की पे वीडियोज देख रहे होते हैं, तो आपको जो है वो एक यूट्यूब की वीडियो के ऊपर एक ऐड शो हो रहा होता है जिसको आप कट भी कर सकते हैं, तो वो एड्स जो होते हैं वो ओवरले एड्स होते हैं, और इन एड्स को यूट्यूब ने खत्म किया, और ये एड्स अगर आपकी तब ही आपकी जो अर्निंग के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जब आपकी यूट्यूब की वीडियोस जो है वो ज़्यादातर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर देखी जाती हैं, तो ज़्यादा अगर आपकी वीडियोज़ जो है वो देखी जाती है मोबाइल पर, तो इससे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल की अर्निंग के ऊपर ज़रा बराबर भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी वीडियोज़ चाहे कंप्यूटर में देखी जाती हैं, लैपटॉप पर देखी जाती हैं, तो इतना आपको जो है फ़र्क पड़ेगा कि मतलब अगर आपके $100 बन रहे हैं तो हो सकता है मे भी आपका $1 जो है वो ना बने, ठीक है, इस तरह से आपको जो है फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए तो YouTube ने जो है वो ओवरले ऐड को ख़त्म किया है, और स्पॉन्सर कार्ड ऐड एंड पे मच गया, तो स्पॉन्सर कार्ड ऐड हो सकता है बग चल रहा है जिसकी वजह से जो है वो स्पॉन्सर कार्ड ऐड आपको नहीं देखने को मिल रहा है, और हो सकता है जल्दी ये बग फिक्स हो जाए, और या फिर YouTube कोई और अनाउंस कर दे कि हमने जो है वो स्पॉन्सर कार्ड ऐड भी जो है वो इसको भी खत्म कर दिया है YouTube से। लेकिन अभी ऑफिशियली कोई भी जो है YouTube की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हो कि हमने स्पॉन्सर कार्ड ऐड भी खत्म कर दिए हैं। सो आज की ये वीडियो यहीं तक ही थी, और उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि आपके पास ये जो एड्स हैं क्यों देखने को नहीं मिल रहे। बेसिकली YouTube की अपडेट थी जो कि YouTube ने इस एड्स को ख़त्म कर दिया है, और अब आप जो है वो इजीली अपनी वीडियोस को अपलोड करके अपने YouTube चैनल पे जो भी मोनेटाइजेशन फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।